Hello friends, this is V from Sarvati Classes, Narol, Ahmedabad. Students, in previous lecture we have seen some formulas of regression analysis as well as common solved questions that we have discussed over there. Today, I am again come up to you for the same kind of question, which is to be known as XY method in linear regressions. Friends, this is a very important chapter as I have discussed with you. This is a 12 mark chapter. And this question which we are going to solve right now, that is a 5 mark question that is to be asked in the examinations compulsory and with proof. Question number 44 or 45, like that question will come in the examinations. I have drawn a question over here. You can see we have given two variables x and y in which all the observations are 10, 12, 14, 16, 18, 20. Over on the other hand, we have given us some variables. After watching these variables, you have to decide which method is applicable. As in the previous lecture, I have discussed with you that we have three methods, XY method, UV method, and XI minus XBAR method. Here, all the observations of both of the variables are less than 40. Hence, we will use XY method. How to calculate XY method? So this is the format of XY method. XY, then x square, then y square. We are not going to find correlation coefficient, we are going to find out a regression analysis of y on x. Here it is, the regression of y on x. For that we have a formula, v by x is equal to n sigma xy minus sigma x multiply sigma y डिवाइड बाई. अब यहाँ पर आपकी लास्ट वैल्यू वी वाई एक्स में एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू नीचे कैरी करेंगे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. अभी हमें क्यों बताना पड़ रहा है एक्स एस पी एक्स स्क्वायर आएगा. फ्रेंड्स, इन प्रीवियस ईयर्स देर आर टू मैथड, देर टू मैथड्स वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, बट इन नाउ इन योर सिलेबस इट इज ओनली वन मैथड, दैट इज वी वाई एक्स. तो अब वी वाई एक्स है, मतलब डिवाइड में नीचे हमेशा एक्स वाली वैल्यू को ही पुट आउट करना हम लोगों को. पर पहले आपके पास दो मेथड थी तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता था, सर नीचे जो डेनोमिनेटर है उसमें कौन सी वैल्यू पुट आउट करें. पर वो सिस्टम है उसको लेके चल रहे हैं हम लोग कि वी वाई एक्स, मतलब लास्ट वर्ड आपका एक्स है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. अब इस पूरे फॉर्मूले को जब हम जज करते हैं, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर y स्क्वायर का कोई उल्लेख नहीं किया गया. इट मीन्स व्हाट, कि जो हमने टेबल के फॉर्मेट में जो y स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया हुआ है उसे हम कैंसिल कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे. और मे बी पॉसिबल द वेरी नेक्स्ट लेक्चर जब हम इस तरह कोई सम गिनेंगे तो y स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे. ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया. तो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 18 10 180, 16 12 किया तो 192. इस तरह से हमने एक्स वाई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो आप सबको आता है, आपका कैलकुलेटर है, आप वो यूज़ कर लेंगे. ठीक है, फिर इनका टोटलिंग करेंगे तो सिग्मा एक्स इज ओवर देयर सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सिग्मा वाई स्क्वायर. सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद रिग्रेशन एनालिसिस में कंपलसरी आपको एक्स बार और वाई बार फाइंड करना पड़ेगा, मीन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स. इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ती थी और हम गिनते भी नहीं थे, लेकिन इन रिग्रेशन देयर इज अ नीड ऑफ एक्स बार एंड वाई बार डेस्परेटली. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आफ्टर कैलकुलेटिंग द टेबल वी हैव टू कैलकुलेट मीन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स एक्स बार एंड वाई बार. हाउ टू कैलकुलेट, यू ऑल नो, यू आर वेल नो रिगार्डिंग एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन, दैट इज वाई बार. ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट 15, यू विल गेट 17.70. नाउ ऑन द सम, ऑन द फॉर्मूला, you have already written the formula. Now what to do, only putting the values. N means number of observations that is given in the sum. Kitne observation diye hai, 1 2 3 4 5 6, n is there 6. Sigma x y ka humne piche calculation kiya hua hai, jo bhi sigma x ke x y ki value diye hui hai usko hum put out karenge, minus sigma x kitna aaya, it is 90, sigma y it is 103, divide by n is there, that is 6. सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का 1420 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 90 का स्क्वायर कर देंगे तो डिग्री 8100. अब ऊपर की वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
6 into 1506 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। डिफरेंस फाइंड करेंगे, इट इज -234 ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंस आएगा 420। तो हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा 0.55 माइनस में नेगेटिव फॉर्म में। अब इन कॉरिलेशन हमने क्या सीखा कि आपकी जो आर की वैल्यू है, कॉरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है, वो माइनस एक और प्लस एक के बीच में ही रहेगी। तो फिक्स था कि उसकी वैल्यू कभी ए के ऊपर जाएगी नहीं, चाहे वो प्लस एक के ऊपर हो चाहे माइनस एक के ऊपर हो, इट इज वेरी मच फिक्स। आपका आंसर बिटवीन -1 to +1 के बीच में ही रहेगा। बट इन रिग्रेशन देयर इज नो लिमिट रिगार्डिंग द आंसर, वेदर इट इज -1, -2, -3, -4, -10 व्हाटएवर, राइट? ओके, आफ्टर डूइंग दिस येट योर सम इज नॉट गोइंग टू बी ओवर, यू हैव टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन on regression y on x. How to find that? We have written linear regression equation of y on x. Formula hai hamare paas y cap is equal to a plus b x. What is y cap? Y it means estimated value of y. Okay? A means denoted as fixed assets or fixed expenses. B is denoted as variable expenses. But we are not going to discuss over here these all things. बट ए कैसे फाइंड करना हम उसकी बात करते हैं। तो ए का फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार कहाँ है, ये रहा 17.17, बी कहाँ है, तो शॉर्ट नेम है बी वाई एक्स इज बी, दैट इज 0.55 माइनस, ठीक है। एक्स कितना है, एक्स एक्स बार दिया हुआ हमने पहले से, कितना 15 दिया हुआ है, तो 15 का मल्टीप्लाई 0.55 से कर देंगे, सो दैट वी गेट 8.25। बट आप यहाँ देख सकते हो इनर साइड भी माइनस में है और बाहर भी माइनस है, दोनों साइड माइनस वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो आंसर विल बी ए इज इक्वल टू 25.42। ओके, यू गॉट इट? नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, मेरी इक्वेशन इज इक्वल टू वाई कैप इज इक्वल टू ए, ए मतलब 25.42 प्लस बी, बी कितना है -0.55 रख दिया, और एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, सपोज होती तो उसको मैं वहाँ पे रखते 10, 15, 18 जो भी दिया गया होता हम रखते, राइट? अब ना माइनस इनर साइड है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस में, तो आपका इक्वेशन सेट हो जाएगा वाई कैप इज इक्वल टू 25.42 -0.55 और एक्स। इन अदर क्वेश्चन देर मे बी गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर x की वैल्यू दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बनाने के बाद जहाँ पे x की वैल्यू दी है उसमें x की जगह पे उसको रख देंगे और तो मल्टीप्लाई करके विल गेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट योर 5 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपल्सरी एग्जाम में आना ही आना है, सो डू द प्रिपरेशन ऑफ दिस मेथड एंड इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप टू यू विद न्यू मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, अगर कोई क्वेरी है तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज डालिए, सो दैट आई मे सो दैट योर क्वेरी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, सो दैट जैसे ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे होम, stay happy and do the calculation of regression analysis at your home. Okay friends, jab tak naya video leke aata hu tab tak aap ghar pe hi rehte rahiye. Bye bye.